आज हमारे साथ हैं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रभारी राम आश्रय मिश्र जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे हमारी चर्चा होगी। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि सभी को जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें बांट देंगे, ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। और मेरा इस पर कोई बहुत वो नहीं कहना है कि कोई बांटता है तो क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर, लेकिन सच में अगर किसी को कुछ ओवराइज किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है। जैसे वर्तमान की सरकार, हम नहीं कहते हैं कि कोई इनके उद्देश्य गलत होंगे, लेकिन मेरा एक अपना शंका जिसका हम समाधान लोगों से चाहते हैं कि यही जो आपको आज बांटना था, ये चुनाव के पहले 4 साल तक आपने क्यों नहीं बांटा, किसने रोक रखा था, लेकिन आज बांटना है ताकि आ रहा चुनाव 2 महीने बाद, और उसमें भी नवयुवकों को, नवयुवक ठीक है आपको सरकार सुविधा दे रही, सुविधा का उपयोग करें, लेकिन जो भी वोट करेंगे आप अपने विवेक से करेंगे, आपको जिस पार्टी को लगता है अगर हमारी बात समझ में आती है अच्छी बात है, अगर हमारे उद्देश्य आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आज आपको इस तरीके सभी सुविधाएं देना इसके पूर्व भी दिया जा सकता था, आज देने का मुझे संदेह उत्पन्न कर रहा है कि इसमें आने वाले विधानसभा में आपको छला तो नहीं जा रहा है, अगर आपको छला जा रहा है तो इसके बारे में आपको सोचे। से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी, उन्होंने लैपटॉप बांटा था, लेकिन लोगों ने सोचा कि लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता या अन्य लुभावने सपने, ये सब उनके लिए व्यर्थ निकले, और हमारी भाजपा सरकार को, जो वर्तमान में सरकार है जिसके हमारे मुखिया योगी जी हैं, उनको समर्थन दे करके सरकार बनवाया। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ देना लेना तो भाई सरकार की अपनी व्यवस्था है, उसके अपने फंड हैं, इससे आप वोट के लिए बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। मेरा सभी जनता से अनुरोध रहता है कि आप किसी चीज़ से प्रभावित होकर के वोट, आपका मत आपकी अपनी व्यवस्था है, आपका सोच है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे सनातन संस्कृत दल की ओर से जो भी हमारे प्रत्याशी प्रदेश स्तर पर खड़े होते हैं उनका आप लोग भरपूर समर्थन करें, और अगर जिस चीज से जो हमारा प्रतिनिधि आता है तो मेरे उद्देश्य बिल्कुल सख्त हैं और सख्त रहेंगे। मेरा किसी पार्टी किसी का विरोध करने का उद्देश्य नहीं है, ना तो हम विरोध चाहते हैं, हम कहते अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, और अच्छा करें, आपको सब कुछ बांट दें। जैसे अभी सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी जो है छात्राओं को टेबलेट और लैपटॉप देना शुरू कर दिया, इस विषय में अच्छी बात है, ये दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, वो हम आप दे रहे हैं, वो कहाँ दे रहे हैं भाई, व्यक्ति कोई अपनी मर्जी, सरकार की सरकार दे रही, तो सरकार जब चाहे तब दे सकती, जिसकी सरकार अपना जो चाहे बांटे, लेकिन बांटने का वही हमारा जो पहले कहा है कि बांटना था, अच्छी बात है। ये चुनाव के पहले कोई भी, अब जैसे आज पोस्टर निकल रहे हैं, परीक्षा कराई जा रही, ये लालच क्यों, ये तो मेरे हिसाब से उत्कोच है, एक लालच है, आदमी को भ्रमित करना है। ये सब चीज देनी चाहिए चुनाव के पहले, 3-4 साल 4.5 साल हो रहा है, अभी तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की। आज करने का मतलब या तो कह दें कि ठीक है आपको ये बट रहा है, बांटा जा रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन इससे प्रभावित होकर तो कहेंगे अगर मैं सत्ता में आया तो और कुछ देंगे और आपको बंटवा देंगे, ऐसा क्यों। इसका ऐसा कहने से वोटर जैसा सोच रहे होंगे हमारे राजनीतिक लोग कि वोटर प्रभावित होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है अखिलेश को कि आपने सब कुछ बांटा, आपने सब कुछ किया, लेकिन हमने क्या किया। इसी तरीके से भाजपा सरकार को भी, जैसे भाजपा सरकार में देखिए, जैसे कहते हैं संत प्रेमी है, आप देखिए, अरे एक बेचारे गिरी जी संत मारे गए जिनकी सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन संतों का आप भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। संतों के वही जो संत मतलब है सामान्य आदमी का कहीं कुछ वो है नहीं, कहीं आप चले जाइए, आप यहाँ पर जानते लोग, आप चैनल वाले हो, हमको जानते राजनीतिक हो, हम थाने पहुँच जाए दस आदमी लेकर के मेरी बात सुन ली जाएगी। एक आदमी किसी थाने को, पहले के लोग कैसे होते थे, सनातन संसद का उद्देश्य है कि लोगों के मस्तिष्क को बदल दो, लोगों के विचारों को बदल दो, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप जाइए वहाँ अधिकारी बने बैठे हैं, जबकि वह है सेवक। पहले लोग जैसे
आईपीएस आईएएस लोग हुआ करते थे, जिसमें मेरे सामने एक नाम आता है, आईपीएस रहे श्री किशोर कुमार जी, जो आज हनुमान मंदिर के बिहार में मठ के पुजारी हैं। उन्होंने जब जहां पर जैसी जैसी पोस्टिंग हुई उन्होंने दिखा दिया। अब यहां पर हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह जो बेचारे एक एलएनजी बरामद किए थे, उनकी वो दुर्दशा हुई है सपा सरकार में, मतलब उन्होंने पकड़ा उन्हें सामने। ऐसा क्या है, किसी को कुछ भी हो, हम कह रहे हैं जो अपने पद पर बैठा है नियम से जो भी है, तो चाहे सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य साधारण हो, सबको बराबर की, यही मेरी सनातन संस्कृत का दल का उद्देश्य है कि हम लोग अगर जहां पर भी जैसे भी अगर एक व्यक्ति एक भी हमारा सनातन संस्कृत से संबंधित प्रतिनिधि चुना गया तो वो जो हम लोग कहेंगे वो करेंगे। जैसे फ्री शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य फ्री चाहते हैं, और जो जिस पद पर बैठा हुआ है उसको ये एहसास करना ही होगा कि हम सेवक हैं, अधिकारी नहीं, सामान्य जनता हमारी जाति है, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये। अब जैसे विधायक एक बार यहाँ पर आप इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के हमारे वर्तमान में माननीय नीरज बोरा जी विधायक हैं, लेकिन जनता से हम एक किसी रोड पर आप जा करके पूछ लें क्या जीतने के बाद आज तक आए तो क्यों आए भाई, उनको तो मालूम है लोग उनको वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं कमल को, तो जनता से जब वो प्रश्न करती तो कहते कमल को जाओ बेटा, तो जनता की कहीं जिम्मेदारी, जनता भी ऐसा नहीं है कि सब राजनीतिक, जनता भी वो भी अपने लालच में वोट देती, लालच में ना दे करके अपने विचारों से और सच्चे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। आप भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मेरा विचार 172 जहाँ पर आप बैठे हुए इस समय है विराजमान है, 172 उत्तर विधानसभा से सनातन संस्कृत रक्षा दल के दल की ओर से घोषित प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ूंगा। अब ये जरूर है कि हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, मेरा तो राजनीति से बहुत मतलब नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं कुछ मन आया है कि हमको भी, और हम तो सभी को चाहते हैं हर घर परिवार से राजनीति, क्योंकि राजनीति अगर स्वच्छ नहीं होगी तो व्यक्तियों का क्या, तो उसमें वहीं फंसा देंगे कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, जाति धर्म इसको लेकर के तमाम विवाद होंगे। नहीं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय रहें और भारतीय को ही लोग पसंद करें, और भारतीय की पहचान ही होती है सुख देव दुख को हरें करें पाप को अंत, कह कबीर कब वो मिले परम स्नेह संत। हम लोग इस विचारधारा के सनातन संस्कृत के हैं कि हमारे सन्यासियों में जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात, हमको एक महापसंद, इसमें दो राय नहीं है, ये मेरी पसंद के हैं। ऐसा क्यों, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, हमारी पसंद के थे। अब इसमें हमारा ये नहीं आता है कि कौन किस पद पर है, भाई ये तो चाहते हैं, लेकिन इनके साथ में जो लगे हुए लोग हैं, अब उनका नाम जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उसी तरीके से अटैक करूंगा। ये नहीं है कि एक व्यक्ति है, एक जैसे आपने मुंह में साबुन लगा लिया है और शरीर ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये समझ लो चेहरा तो पसंद करूंगा लेकिन शरीर गड़बड़ है, तो अगर गड़बड़ है तो काटने की भी क्षमता रखूंगा, अन्यथा राजनीति करने से क्या फायदा, लोगों का कोई हित ना हो, व्यक्तिगत अगर हमको पेट पालना है, जैसे आप क्या सोचते हैं 5 लाख लगा दूंगा, 10 लाख लगा दूंगा, 20 लाख लगो, तो कहें भाई वसूली तो भी करूंगा, उद्देश्य बना हुआ है, चुनाव जीतने के बाद जनता से आमने सामने बैठते नहीं, फेस नहीं करते, कितनी मीटिंग लगाते हैं, कहीं कोई मीटिंग नहीं, और जहां चुनाव आता है वही लोग, भले वहां पर लोग उनको कुछ बोल रहे हों लेकिन कसमें खाते हैं। अब उस तरीके से शपथ खाने का समय नहीं है, अब शपथ कैसी खाना है, हम लोग तो खड़े होकर के समाज के सामने कहेंगे कि वास्तव में अगर इन्होंने शपथ खाए तो क्या आप इतने दिन तक रहे तो आप 150,000 लोग इनके विरुद्ध कभी आप बोले हो, आप कभी कोई बात नहीं करना चाहते हो, और वो भी अपना चुनाव में आपको कुछ न कुछ लालच दे करके। हम नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति लालच में फंसे, व्यक्तिवाद में, समाजवाद में, जातिवाद में, इसमें न फंस करके आप राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, दल कितने भी हो सकते हैं, मजहब कितने, धर्म कितने हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी भारतीय है और भारतीय रहेगी।